हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं कार ड्राइविंग परफॉर्मेंस को लेकर के, जो कि कार ड्राइवर जो बिगिनर्स ड्राइवर होते हैं उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से काफ़ी पैसों का, लाखों रुपये का खर्चा हो जाता है, लाखों रुपये वेस्ट हो जाते हैं, किसी के अपने हो जाते हैं, दूसरों के भी हो जाते हैं। उससे जो गाड़ियाँ अतराती हैं थोड़ी सी, एक छोटी सी गलती करने की वजह से और उसकी जो प्रैक्टिस कंप्लीट ना होने की वजह से, एक छोटी सी गलती कहूँगा मैं तो, और इस गलती करने के बाद उनके ऊपर जो प्रेशर है, मतलब पैसों का जो खर्चा होता है, उनकी गाड़ियों का जो लॉस होता है, नुकसान होता है, और एक छोटी सी गलती करने के बाद। तो सारा कुछ बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आज का वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, कार चलाना सीख रहे हैं, या फिर आप इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि मुझे भी गाड़ी को ड्राइव करना है और इसको सीखना है, तो एक सीखने के साथ साथ आपका जो प्रैक्टिस जो होती है ना, उसको परफेक्टली ना करने की वजह से उसको मिसयूज़ करना है। जो भी पैडल्स होते हैं, एक्सीलेटर ब्रेक के जो पैडल्स होते हैं ना, उनको मिसयूज करना, वहाँ पर होता है आपका डर। और उन पैडल का मिसयूज करने से आपके पास, आपके जो होने वाली दुर्घटना होती है ना, उससे आपका लाखों रुपए का नुकसान होता है। इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको विद प्रैक्टिकल, विद प्रूफ के साथ तीन वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा और कुछ फोटोज है वो आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको इस वाले वीडियो के अंदर जो भी वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्लिप्स के, उसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स नोटिस करना है कि जो गलती है ना, वो एक छोटी सी गलती है और एक छोटी सी गलती करने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान है, करोड़ों का भी हो सकता है, लाखों का भी हो सकता है। तो इस वाली वीडियो क्लिप जो देखने के बाद मैं आपको तीन क्लिप दिखाऊंगा, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और उसके बाद दो फोटेज आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको नोटिस करना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप एक कार चलाना सीख रहे हैं या फिर आप सीखने वाले हैं या फिर आप ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आप लर्नर हैं, थोड़ी बहुत गाड़ी आप चला लेते हैं, वहाँ पर आपको फोकस करना है। तो इस चीज़ को नोटिस करने के बाद आपको मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इस वाले वीडियो के अंदर जो है वो आपको क्या नज़र आता है, आपने क्या सोच रखा है, क्या जो मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ें सही हैं, या फिर आपको जो सोचने में, जो आपको डिसाइड करने में हेल्प हो रही है कि इस वाले वीडियो के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो गलती हो रही है, वो किस चीज़ की है। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप यहाँ पे लगा रहा हूँ, आप उस पर नज़र डालिए। नई गाड़ी है, बिल्कुल नई पेटी पैक बंदा लेके आ रहा है, न्यू बिगिनर्स ड्राइवर है, गाड़ी को टर्न किया और जो टर्न कर रहे हैं वहाँ पर आपने देखेंगे जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन गाड़ी को टर्न कर दिया है। तुरंत टर्न करने के बाद वहाँ पर आप देखेंगे वो जो गाड़ी है ना, एक छोटी सी मिसयूज पैडल यूज करने की वजह से गाड़ी के साथ क्या हुआ है, मतलब पूरी गाड़ी ऊपर से दूसरी बाइकों के ऊपर खड़ी हो गई है। एक ही यहाँ पर देखा आपने, नोटिस करना है इसके अंदर जो टर्न किया था, टर्न करने के बाद तुरंत वहाँ पर एक ब्रेक भी लिया है, छोटी सी हल्की सी एक ब्रेक ली है, और ब्रेक लेने के बाद वहाँ पर एक्सीलेटर पेडल को ब्रेक समझ लिया या फिर वो जो मिसहैंडलिंग है उसको यूज किया, और वहाँ पर एक डर जैसा साबित हुआ, डर की वजह से ये एक इतना बड़ा नुकसान है, एक छोटी सी गलती। यहाँ पर मैं आपको दूसरी वीडियो की क्लिप दिखा रहा हूँ, इसमें एक शोरूम है, i20 गाड़ी है, फर्स्ट गियर में यूज़ किया है, एक्सीलेटर पर पैर रख दिया, और एक्सीलेटर पर पैर रखने के बाद सीधा गाड़ी शोरूम के बाहर, गाड़ी का गिलास, मतलब जो शोरूम का गिलास है वो भी डैमेज हो गया, और गाड़ी का शोरूम से कूद के बाहर मेन रोड पे पहुंच चुकी है, और जो गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी उसको भी डैमेज किया। यहाँ पर भी आपको नोटिस करना है कि यहाँ पर जो गलती है वो क्या है। तीसरी वीडियो की मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, वहाँ पर आपको नोटिस करना है कि ये जो नैरो टाइप की गली है ना, सबसे पहले मैं कहूँगा एक न्यू बिगिनर्स ड्राइवर के लिए सलूट है, इस टाइप की न्यू, मतलब नैरो टाइप की गली में और गाड़ी ड्राइव करना थोड़ा जज्बात होता है कि गाड़ी चलाना, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गलती की वजह से, पहले स्टार्टिंग में अच्छे से प्रेस किया है, जैसा कि झटके मार मार के थोड़ी सी गाड़ी को प्रेस कर रहा है, आगे की साइड बढ़ा रहा है, और वहाँ पर थोड़ा सा एक पैडल को गलत मिसयूज किया, वहाँ पर गाड़ी दीवार में जाके अड़ जाती है।
तो ये तीनों वीडियो आपने देखी और तीनों वीडियो देखने के बाद आपने जो नोटिस किया होगा उसमें आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट करके बताना, और मैं आपको इन जो भी दूसरे जो फुटेज की बात मैंने की थी वो यहाँ पर मैं आपको लगा रहा हूँ। उस फोटोज के अंदर भी देखेंगे तो यही चीज़ है मेन। पहला फ़ोटो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये आप देखिए, इसके अंदर गाड़ी पूरी टंग गई है आगे की साइड पर शोरूम पर। और जो मैं दूसरी फ़ोटो यहाँ पर आपको लगा रहा हूँ वो भी आप देखिए, उसके अंदर भी सेम वही प्रोसेस है, वही चीज़ है। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो नोटिस करेंगे तो आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, जो कि एक छोटी सी गलती है। जैसे मतलब छोटी गलती तो मतलब जो ड्राइवर्स हैं ना, जैसे परफेक्टली जो गाड़ियाँ ड्राइव कर लेते हैं उनके लिए एक छोटी सी गलती है, लेकिन एक न्यू बिगिनर्स ड्राइवर्स के लिए उसको समझ में नहीं आएगा कि एक छोटी सी गलती है क्या बहुत बड़ी गलती है। जो गाड़ियाँ चला लेते हैं उनके लिए एक छोटी सी गलती है, जैसे कि मैं ड्राइव कर लेता हूँ तो मुझे मेरे हिसाब से अगर एक्सप्लेन करता हूँ तो मुझे लगेगा ये एक छोटी सी गलती है। जो भी ब्रेक क्लच एक्सीलेटर के पैडल होते हैं उनका मिस यूज किया गया, जो पैडल यूज़ करना होता है वो पैडल यूज़ नहीं किया और दूसरे पैडल की जगह एक दूसरा पैडल यूज़ किया, उसकी वजह से ये एक छोटी सी गलती कही जाएगी। अब इन तीन वीडियो के अंदर आपने एक चीज़ नज़र की होगी, इन तीनों वीडियो के अंदर जो लॉस हुआ है, नुकसान जो हुआ है, एक छोटी सी गलती के अंदर लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो अक्सर आप अगर कोई नए बिगिनर्स ड्राइवर हैं और आपको परफेक्टली गाड़ी ड्राइव करना नहीं आती है तो आप एक नई गाड़ी को शोरूम के अंदर ड्राइव नहीं करना चाहिए, गाड़ी की सीट पे नहीं बैठना चाहिए और वहाँ पर ये परफॉर्मेंस वाली चीज़ को आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इस कंडीशन में आप ऐसी जगहों पर अगर गाड़ी ड्राइव करेंगे शौक में या फिर अपना कॉन्फिडेंस के लिए तो यहाँ पर आपको लाखों रुपये का नुकसान भुगतना पड़ सकता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो मिस यूज हुआ है उसके बारे में आप जानेंगे, और इसके बारे में आपको भी मुझे कमेंट करके बताना है कि इसमें हमारी तरफ से हमको ये चीज़ नज़र आ रही है वो चीज़। यहाँ पर पहली वीडियो आप देखेंगे सेम जो राउंड अप था, गाड़ी मतलब गाड़ी जो फ्लैट के अंदर मतलब सोसाइटी के अंदर गाड़ी पार्क करनी थी वहाँ से डालना था, तो जो जगह बचती है ना वहाँ से आपने उन्होंने जल्दी से मतलब टर्न किया गाड़ी को, और वहाँ से तुरंत गाड़ी को टर्न करने की वजह से गाड़ी जो है ना डोर पीछे का जो डोर होता है ना वो डोर जो है ना वो टच हुआ है दीवार के अंदर, और उसकी जो वॉइस ड्राइवर को लगी है तो वो ड्राइवर जो है ना विगनेस ड्राइवर है उसको घबराहट हुई है, और घबराने की वजह से जिसको बोलते हैं डर, ये एक डर की वजह से पैडल जो होता है ना क्लच का ब्रेक का एक्सीलेटर का उसको गलत यूज किया। एक्सीलेटर के पैडल को समझ लिया गया है कि ये ब्रेक पैडल है या फिर कुछ दूसरा हो सकता है उनके कन्फ्यूज, बाकी हमारे हिसाब से अगर कन्फ्यूजन किया जाता है एस्टिमेट का निकाला जाता है तो ब्रेक एक्सीलेटर पैडल को ब्रेक का पैडल समझ के इसको पुश किया गया और गाड़ी आगे भाग गई है। अक्सर क्या होता है न्यू बिगिनर्स क्या करते हैं, ज़्यादातर उनको ऐसा लगता है कि क्लच यूज़ करने से आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, नहीं होगी। आप क्लच यूज करेंगे वहाँ पर आपको क्लच यूज करने से आपकी जो गाड़ी का जो पावर जनरेट होता है ना वो आपका कट हो जाता है, वहाँ से आपकी गाड़ी पावर जनरेट नहीं करेगी, लेकिन जिस स्पीड में चल रही है उस स्पीड में चलती रहेगी, धीरे धीरे बहुत आगे जाने के बाद उसकी स्पीड डाउन होगी। जब तक आप ब्रेक पैडल का यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपकी गाड़ी की स्पीड है वो आपकी ड्रॉप नहीं होगी, हमेशा उतनी बनी रहेगी। इसके लिए तीन पैडल दिए गए हैं, दो पैर दिए गए हैं आपको, तीन पैडलों में से एक पैडल पर से आपको पैर हटाना होगा, चाहे आप क्लच यूज कर रहे हैं वहाँ पर आपको ब्रेक के साथ साथ में यूज करनी होती है, अगर आप एक्सीलेटर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ब्रेक पैडल क्लच यूज करके वहाँ पर क्लच रिलीज करनी होती है। इसके लिए तीन पैडलों के साथ साथ दो पैर आपके यूज करने के लिए बनाए गए हैं, और यही मेन फोकस होता है। आपको अगर इन चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है एक्सीलेटर में ब्रेक में क्लच में तो इनकी सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें यही चीज़ ढूंढी गई है कि हमारा एक्सीलेटर पैडल कहाँ है, ब्रेक की पैडल कहाँ पर है, क्लच की जो पैडल है वो कहाँ पर है, और इसका जो मिस यूज हुआ है वो हुआ है सारा कुछ। तीनों वीडियो की जो क्लिप मैंने आपको दिखाई है उसके अंदर एक्सीलेटर का ही यूज हुआ है, बाकी का जो क्लच है ब्रेक है उसको यूज नहीं किया गया है। और यहाँ पर इन तीनों वीडियो के अंदर अगर आप एक्सीलेटर का जो पैडल है ना उसको यूज़ करना ही नहीं था, सिर्फ यहाँ पर एक क्लच यूज करनी थी और ब्रेक यूज करना था बस। अगर आपने फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाई है तो फर्स्ट गियर में उठाने के बाद ना ही आपको एक्सीलेटर यूज करना होता है, क्लच को धीरे धीरे रिलीज करके गाड़ी ऑटोमेटिकली वो ड्राइव होने लगती है, चलने लगती है,
और यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा मतलब कोई हाईवे रोड भी नहीं है, नॉर्मल से एरिया है, मतलब एक शोरूम में गाड़ी है और एक नैरो गली के अंदर गाड़ी है और एक अपने पार्किंग एरिया में सोसाइटी के अंदर गाड़ी की जो मतलब गली होती है सोसाइटी की, फ्लैट की जो पार्किंग एरिया होता है वहाँ पर गाड़ी को डालना है। तो यहाँ पर जो जगह देखी जाएगी तो वो भी इतना मतलब वैसा भी नहीं है कि आप ग्राउंड के अंदर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ वहाँ पर आपको कन्फ्यूज करेगी। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से अगर पूरे वीडियो के अंदर आप देखेंगे तीनों वीडियो की और जो दो फोटो मैंने आपको दिखाए उन तीनों वीडियो के अंदर यही चीज़ एक समझ में आती है मुझे। एक पहला जो जिस एक्सीलेटर और ब्रेक के क्लच के पैडल को यूज़ करना था उस जगह जो पैडल यूज़ किए गए हैं वो एक मिस यूज पैडल हैं, वहाँ पर उस पैडल को यूज़ नहीं करना था, आपको क्लच यूज करनी थी और ब्रेक यूज करना था। छोटी सी क्लच यूज करने के बाद आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली ड्राइव होने लगती। शोरूम वाली देखेंगे तो वहाँ पर शोरूम में तो कोई रोड तो है नहीं, तो आप ड्राइव करने के लिए फर्स्ट गियर लगाएंगे और वहाँ पर आप एक्सीलेटर देंगे, तो वो सबसे बड़ी गलती है। नैरो गली की जो बात करता हूँ तो वहाँ पर एक न्यू बिगिनर्स ड्राइवर है, तो न्यू बिगिनर्स ड्राइवर होने की वजह से जो स्टार्टिंग में है ना थोड़ा सा झटके मार मार के थोड़ा सा आगे आ रही है, बाद में एक्सीलेटर पुश करने के बाद सीधा गाड़ी आगे लग जा रही है क्योंकि वहाँ पर स्टीयरिंग का काम करना भूल गए। एक्सीलेटर पेडल दिया, स्टीयरिंग को टर्न नहीं किया, और वो एक भूल होती है और वही एक प्रैक्टिस होती है। और अगर आप एक नए बिगिनर्स ड्राइवर हैं तो आपको इन सारी चीज़ों पे ऊपर फोकस करना होगा। मैंने पिछली वाली वीडियो जो डाली है उनके ऊपर मैंने यही चीज़ें आपको गौर किया है, इसके बारे में भी आपको बताया है कि आपको है ना जब भी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे गियर शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको गियर नहीं देखना है, आपको प्रैक्टिस कर लेनी है उस चीज़ की। गियर की साइड पे आप देखेंगे तो गाड़ी का जो आप स्टीयरिंग है उसको आप टर्न करना, लेफ्ट टर्न या राइट टर्न करना आप भूल जाएंगे वहाँ पर, और भूलने की वजह से यह प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ही आपको क्लच ब्रेक एक्सीलेटर को यूज़ करना है, वहाँ पर आपको यही चीज़ें जाननी होगी और यही चीज़ों को समझना होगा। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ऑप्शंस जो दिए जाते हैं आपको यूज़ करने के लिए दिए जाते हैं, आप अगर इन पैडलों में से कोई मिसयूज पैडल करेंगे, आपको क्लच की जगह ब्रेक दबाएंगे तो आपको क्या उसका रिजल्ट निकल के आएगा, जहाँ पर आपको ब्रेक करना है वहाँ पर आप एक्सीलेटर पुश करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या रिजल्ट निकल के आएगा, उन चीज़ों पर आपका वो जो पॉइंट्स होते हैं ऑप्शन जो होते हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना होता है, और यही एक प्रैक्टिस होती है। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप अगर बिल्कुल बिगिनर्स ड्राइवर हैं तो आप एक ग्राउंड के अंदर इस चीज़ का ट्रायल करना चाहिए। अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नए बिगिनर्स हैं, आपने रोड पे गाड़ी को ड्राइव नहीं किया है, तो आपके सबसे पहले एक ग्राउंड के अंदर गाड़ी को ड्राइव करना है। तो ये चीज़ें आपको फोकस करनी है, और ये एक छोटी सी गलती कहूँगा मैं तो, क्योंकि मेरे ड्राइवर एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरी नज़रों के हिसाब से एक ये छोटी सी गलती है। पैडल मिस यूज करना मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ना उसको करने के बजाय दूसरा कुछ करना, ये वही हो जाता है कि हमें खाना कुछ और था, हमने खा कुछ और लिया, और जब कुछ खाने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो इफ़ेक्ट हुआ उसका रिज़ल्ट तो आप निकाल ही सकते हैं, क्या डिफरेंट और क्या फ़र्क पड़ेगा, सारा कुछ उस चीज़ पे आप समझ सकते हैं और उस पे फोकस करना होगा। और आने वाले वीडियो में आपको सारे टोटली प्रैक्टिस करके बताऊँगा कि आपको फर्स्ट गियर डालने के बाद एक्सीलेटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है और गाड़ी आपकी चलेगी, एक्सीलेटर आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपको क्लच यूज करने के बाद अपनी गाड़ी को उठा लेना है, और जब भी क्लच यूज होगी ना और आप सोचे गाड़ी की स्पीड डाउन करना है, तो आपकी क्लच डाउन करने से, क्लच को पुश करने से आपकी गाड़ी की स्पीड डाउन नहीं होगी, सिर्फ इतना होगा जो गाड़ी की जो पावर जनरेट होती है वो आपकी गाड़ी की जो पावर जनरेट नहीं होगी, जो पावर जनरेट है ऑलरेडी उतनी ही रहेगी। लेकिन आपको गाड़ी को रोकना है, गाड़ी को स्टॉप करना है, उसके लिए आपको ब्रेक यूज़ करना पड़ता है, और जब आप ब्रेक यूज़ करेंगे तो आपका जो पैर है राइट साइड का एक्सीलेटर से हट के आपका पैर ब्रेक के पैडल पे आ जाता है। इसके लिए ये वाली जो गलती है ना, अगर आपने क्लच दबाई है या नहीं दबाई है, अगर इस तीनों वीडियो के अंदर देखा जाए तो अगर आपने सारे पैडल छोड़ दिए होते, एक भी पैडल यूज़ नहीं किया होता, सिर्फ आपने ब्रेक का पैडल यूज़ कर लिया होता, तो आपके साथ कुछ भी नहीं होता। इन तीनों गाड़ियों में एक ही ऑप्शंस निकल के आया है, आपने देखा होगा। इस तरीके की अगर सिचुएशन आती है तो आपको सारे पैडल छोड़ देने हैं, आपको ब्रेक की पैडल दबा लेनी है। अगर आप ब्रेक की पैडल दबा लेंगे, आपकी गाड़ी किसी भी गियर के अंदर होगी वहीं की वहीं बंद हो जाएगी, और आपकी गाड़ी के से जो भी नुकसान होने वाला है, जो भी गलती होने वाली है वो नहीं होगी। अगर आपकी गाड़ी गियर के अंदर है और चल रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है,
तो आपको ब्रेक मार देनी है और आपकी गाड़ी उसी गियर के अंदर वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन इस ऐसा करने से आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, ना आपकी गाड़ी के साथ होगा और ना ही आपके आपके साथ कुछ दुर्घटना जैसा कुछ भी होगा। अगर हाई स्पीड में गाड़ी है तुरंत बंद हो रही है तो थोड़ा सा इंजन पे आपका इफेक्ट पड़ेगा, बट सामने वाले को लॉस बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आप इस चीज़ को समझ लीजिए और ये वाला जो पॉइंट्स है ना, इसको बहुत परफेक्टली आपको समझना होगा। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ये तीन पेडल गाड़ी ड्राइव करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं और इसको आपको बहुत ही परफेक्टली तरीके से आपको समझना होगा, सोच के बिल्कुल माइंड के अंदर इसका प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप धीरे धीरे आप सीख पाएंगे। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि न्यू बिगिनर्स ड्राइवर को डर नहीं लगता है, मैंने एक ऊपर डर के ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे। जब तक आपके बॉडी के अंदर डर रहेगा तब तक आप गाड़ी चलाना नहीं सीख पाएंगे और ये डर आपका निकलेगा एक ग्राउंड के अंदर ही, रोड पर नहीं निकलेगा। रोड पर आप तब तक चलाएंगे गाड़ी जब तक आपको डर लगता रहेगा और आपके हमेशा माइंड के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहेगा। इसके लिए जब भी गाड़ी की सीट पे बैठें तो एक आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेना है और उसके बाद गाड़ी किसी ग्राउंड के अंदर ट्रायल करना है। तो आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।